Drop it. तो आप सभी लोगों का द्विवेदी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस बात का भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। मैं एक इंडियन हूं और इस बात से मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। और सच में आपको बता दें, इंडियंस हमेशा सबसे आगे रहते हैं स्टडी के मामले में, पढ़ाई के मामले में, चाहे स्पोर्ट के मामले में सबसे आगे रह सकते हैं। वह बसरते हमें एक अच्छी तरीके से गाइडेंस की और मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो गाइडेंस अगर हमारे पास है, मेहनत अगर हम लगातार कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज को जीत सकते हैं। ये हमारे जीन में पहले से अवेलेबल है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से ऐसे काम किए थे पहले जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टिश्यू के बारे में। तो आओ पढ़ते हैं हमारे साथ आप सब मिलकर के टिश्यू। टिश्यू जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसे पढ़ाई के उद्देश्य से देखा जाए, हर तरह के उद्देश्य से देखा जाए, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ हमें ये बताता है। और साथ में इस चैप्टर की नॉलेज से हमें आगे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, जैसे कि आपका 11th क्लास है, 12th क्लास है, 10th क्लास है, इन सभी में इसका चैप्टर का काफी यूज है। तो फिलहाल हम बात करते हैं किन किन टॉपिकों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू भी हमारा जो होता है वो दो टाइप में बट जाता है। तो वो कौन कौन से टाइप है आपका? सबसे पहले आपका है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, सिंपल टिश्यू हमारे यहाँ पर दे रखा है। तो ये दो तरह के हमारे टिश्यू में बट जाता है। कौन? प्लांट टिश्यू के कैटेगराइज अगर हम करें तो ये दो तरह से बट जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में और सिंपल टिश्यू में। ठीक है, तो अब बात आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है। कॉम्प्लेक्स शब्द को सुनते ही दिमाग में एक वर्ड आ जाता होगा, जटिल। तो ये बहुत जटिल होते हैं, इनको समझने के लिए भी हमें विशेष चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। अब वो चीजें क्या है, सबसे पहले हम देखें तो कंटेन द मोर देन द वन टाइप ऑफ द सेल। दरअसल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो कंटेन करके रखते हैं मोर देन द वन टाइप ऑफ द सेल, वो एक से ज्यादा तरह की सेल को अपने अंदर रखते हैं। सिंपल टिश्यू जो होते हैं, जो प्लांट में ही पाए जाते हैं, दे आर द मेड अप ऑफ द ओनली द वन टाइप ऑफ द सेल। ये सिर्फ वन टाइप ऑफ द सेल के मिलकर के बने होते हैं, सिर्फ एक तरह की सेल के मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना प्लांट टिश्यू के बारे में, अब हम जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इनके बारे में सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और थोड़ा थोड़ा सा इसको आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो इनर सर्फेस ऑफ द बॉडी, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गेन है, हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गेन है उनके अंदर, जैसे कि किडनी है आपका और इंटेस्टाइन है, और भी ऑर्गेन है जो इंटरनल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, पैनक्रियास वगैरह, तो उनकी इनर सरफेस में ये पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कनेक्ट सपोर्ट द बेंड्स। तो इनका काम ये होता है चीजों को कनेक्ट करना, जगह जगह मतलब कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है, जैसे कि हमारे रिब्स हैं तो वहां पर लिगामेंट्स पाई जाती हैं रिब्स को जोड़ने के लिए, तो वो कनेक्ट टिश्यू में आ जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ना, सेलों को जोड़ना, तो कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गेन्स को जोड़ना, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? कंपोजिट द मसल्स इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर कंपोजिट, COMPOSES, कंपोजिट द मसल्स इन द एनिमल बॉडी, ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। कंपोज का मतलब बनाते हैं, कंपोज वर्ड आती है आपको समझ जाना चाहिए, कंपोज का मतलब होता है बनाना। फिर आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? सेंड एंड रिसीव द मैसेज, ये सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेज को। मैसेज कौन सा? जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गेन के द्वारा दिमाग को जाता है, और फिर दिमाग से सेंस ऑर्गेन की तरफ जो मैसेज आता है उनको सेंड करना और रिसीव करना, और फिर उनको एक तरह से कंट्रोल करना, सेंस ऑर्गेन से कंट्रोल करना, हाथ पैरों को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम से ही जुड़ा होता है। तो नर्वस सिस्टम एक तरीके से इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे बिजली में हमारे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उसी तरीके से न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दौड़ते हैं, और कुछ ही सेकंड से, कुछ नैनो सेकंड में हमारे सेंस ऑर्गेन्स मैसेज हमारे ब्रेन तक ये पहुंचा देते हैं। अगर हमारे अंदर सेंस ऑर्गेन्स नहीं होते तो हमारी दुनिया बहुत ही अलग होती, क्योंकि जैसे मान लो कि हमें कोई छूता है तो हमें पता चल जाता है, फिर बाद में हमें कोई छूता तो पता ही नहीं चलता। अगर मान लो जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर रख जाता है तो हमें तो पता चल जाता है, लेकिन सपोज अगर मान लो कि किसी ने गर्म चीज पे कोई हाथ रख देता और सेंस, उसका सेंस जो आपका ये नर्वस सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा, तो पूरा हाथ जल के क्या बन जाता? चिकन बिरयानी बन जाता, तो उसे पता ही नहीं चल पाता।
तो नर्वस सिस्टम का बहुत ही बड़ा एक रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में टिश्यू चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये किससे मिलकर के बने हैं, कौन से किस किस तरह के टिश्यू से मिलकर के बने हैं और क्या मतलब इनके फंक्शंस होते हैं, इनको सही से बढ़िया तरीके से हम डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए द्विवेदी अकेडमी। थैंक यू। तो तैयार, डिटेल में जानकारी लेंगे हम टिश्यू के बारे में, आखिर ये टिश्यू होता क्या है और टिश्यू के काम क्या होते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जब बहुत सारी सेलें इकट्ठी हो जाती हैं तब आपका टिश्यू बनता है। अगर टिश्यू नहीं बनते तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं वो नहीं बनते। जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे हाथ पैर वगैरह, ये सब टिश्यू से मिलकर के ही बने हुए हैं और टिश्यू जो होते हैं वो सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं। अब मान लो कि सेल्स जो है इकट्ठी होकर के क्लस्टर में आकर के टिश्यू ना बनाए तो बॉडी ऑर्गेन्स का बनना असंभव होता। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि टिश्यू के बारे में ही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, वी नो दैट, हम ये जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बीइंग कंपोज ऑफ द जस्ट सिंगल सेल। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओनली वन सेल के मिलकर बने होते हैं। अब भाई उनके लिए तो बहुत सारा काम बढ़ ही जाएगा, इतना सारा काम बढ़ जाएगा उनके लिए कि सारे के सारे काम एक ही सेल को करने पड़ेंगे, जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गेन्स हैं, बॉडी ऑर्गेन्स हैं, उनके द्वारा हम उन कामों को करते हैं। अलग अलग तरह के हमारे शरीर में अंग हैं, जैसे हाथ है, पैर है, हाथ का काम होता है चीज़ों को उठाना, पैरों का काम होता है चलना, मुँह का होता है बोलना, और खाने का भी काम हमारा मुँह से ही हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देखने वगैरह का, ये सारे के सारे काम के लिए हमारे में स्पेशल तरह के और अंग हैं, स्पेशल तरह के ऑर्गेन्स हैं। लेकिन सिंगल सेल में तो ये सारे के सारे काम एक ही सेल को करने पड़ते हैं। तो परफॉर्म द ऑल लाइफ एक्टिविटी, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, लाइफ के क्रियाकलाप होते हैं, जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको एक ही सेल को करनी पड़ती है इन द सेम सेल। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन एक ही सेल को करने पड़ते हैं। देयर इज अ नो डिविजन ऑफ द लेबर, वहां किसी भी तरह के श्रम का वितरण नहीं हो पाता, किसी भी तरह का श्रम उनका बटता नहीं है। जैसे को मान लो हमारे सेल में, हमारे बॉडी के अंदर देखने का काम आंखों का है, सुनने का काम कानों का है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है फंक्शन जो है अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेन्स के अलग अलग फंक्शन है, तो सबको अपना अपना काम मिल चुका है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये सारे कार्यों का वितरण नहीं हो पाता, कार्य का डिवीजन नहीं हो पाता, वर्क का डिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर वर्क लोड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिफरेंशिएटेड सेल, अलग अलग तरह की डिफरेंशिएटेड होता है, भिन्न भिन्न तरह की सेल्स फॉर्म सेवरल टाइप ऑफ द ग्रुप, अलग अलग तरह के ग्रुप बनाती हैं और उन्हीं अलग अलग ग्रुपों की वजह से अलग अलग तरह के ऑर्गेन्स हमारी बॉडी में बन पाते हैं। तो सबसे पहले है डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ द सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो विच आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो ग्रुप ऑफ जो सेल होता है विच आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो अभी मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, टिश्यू की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर, जो समान है इन स्ट्रक्चर संरचना में, एंड ऑरिजिन, जिनका उद्गम भी एक जगह से हुआ है, दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, किसी विशेष तरह के काम को करने के लिए फॉर्म अ टिश्यू, वही मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब जैसे देख लो कि हमारे आंखों में जो भी सेल हैं तो वो एक क्लस्टर के रूप में इकट्ठी हैं और वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उन सभी सेलों के जरिए हम देख पाते हैं। हमें मालूम है कि हम अपने हाथों की सेलों से नहीं देख सकते, पैरों की सेलों से नहीं देख सकते, देखने का जो काम है सिर्फ आंखों की सेलें ही कर सकती हैं। तो वहाँ अलग अलग तरह की सेलें अलग अलग तरीके से वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अच्छा, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप अथवा क्लस्टर, क्लस्टर का भी मतलब ग्रुप से ही होता है, समूह से होता है, ढेर से होता है, अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ द सेल विच आर सिमिलर, जो सिमिलर हैं इन ऑरिजिन, ऑरिजिन में स्ट्रक्चर संरचना में एंड फंक्शन कार्य में, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो भी आपके टिश्यू ही कहलाते हैं। ये दोनों ही डिफाइनेशन जो है, डेफिनेशन ये वाली और ये वाली, दोनों ही टिश्यू की हैं। आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो और साथ में इसको याद कर सकते हो। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ने बताया
कि किस तरीके से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, और इन सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर टिश्यू नहीं बन सकते क्योंकि वो सिर्फ एक ही सेल करके सेल से मिल करके बने होते हैं, जबकि टिश्यू जो होते हैं जब ही बन सकते हैं जब बहुत सारी सेलें आपस में क्लस्टर बना लें और किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को करने लगे, किसी एक पार्टिकुलर वर्क को करें। लेकिन वहां पर इन सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल को सारे काम करने पड़ते हैं, तो वहां किसी भी तरह का सेल का ग्रुप नहीं मिलता है, इसलिए हम इन सेल ऑर्गेनिज्म को अंदर टिश्यू को नहीं पा सकते और ना ही हमें कभी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन। अभी हम आगे और भी पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। पास है एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, आखिर वो एग्जाम्पल अब क्या है टिश्यू के वो भी तो देख लें। तो एग्जाम्पल है टिश्यू के मसल्स, ब्लड। तो मसल्स के अंदर भी टिश्यू हमारे पाए जाते हैं, ब्लड, नर्व, जाइलम, फ्लोएम, ये प्लांट के टिश्यू है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम जो किसके हैं, प्लांट के टिश्यू, मतलब टिश्यू इन्हें मिलकर के इन चीजों को बनाते हैं। ब्लड को, ब्लड भी जो हमारा है वो टिश्यू से ही मिलकर के बना है, मसल्स भी हमारे टिश्यू से मिलकर के बनती हैं। आखिर अब ये हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में। तो इन्हीं डिफरेंस को हम जानने वाले हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्लांट टिश्यू और यहाँ हमें दे रखे हैं एनिमल टिश्यू। तो पहली बात, प्लांट टिश्यू आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थाई होते हैं, तो प्लांट टिश्यू आर स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थाई होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एनिमल टिश्यू, सम ऑफ द एनिमल टिश्यू सच एज जैसे ब्लड, ब्लड है आपका, एंड द लिम्फ आर एबल टू मूव, ये मूव कर सकते हैं, ब्लड है, लिम्फ है, ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम द वन प्लेस टू द एनोदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। हमें मालूम है कि ब्लड हमारे बॉडी में एक सर्कुलेशन सिस्टम की तरह काम करता है, ब्लड की वजह से जितने भी हम न्यूट्रेंट हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, पचाती है, वो ब्लड के अंदर से होते हुए ही सारी सेल तक पहुंचते हैं। तो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो ब्लड एक तरह से हमारे हमारी बॉडी के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट करता है, बेस मटेरियल को हमारी किडनी तक पहुंचाता है। तो ये सारे के सारे काम जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है को हमारी बॉडी की, बॉडी जो होती है उसकी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेलों ने छोड़ी उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम भी हमारे ब्लड के पास रहता है। तो हम देखें कि एनिमल में जो टिश्यू होते हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन आपके जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो मूव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर द डेड, लिविंग टिश्यू आर वेरी द फ्यू। ज्यादातर प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है, मरे हुए होते हैं। लिविंग टिश्यू आर वेरी द फ्यू, उनमें से बहुत ही कुछ कम टिश्यू होते हैं जो जीवित होते हैं। ये केस है आपका प्लांट का, प्लांट की बात कर रहा हूँ। प्लांट में ज्यादातर जो टिश्यू होते हैं मरे हुए होते हैं, जीवित बहुत कम होते हैं। इधर मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल आर द लिविंग, सॉरी मोस्ट ऑफ द लिविंग, गलत लिख दिया है, सही से कर देता हूं, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। ज्यादा टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट टिश्यू मेनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड द रिग्निटी। प्लांट टिश्यू होते हैं मुख्य रूप से प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, एंड रिग्निटी और ठोस जो उनके अंदर हार्डनेस है, रिग्निटी है, उसको भी बना के रखते हैं कौन, प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू आर परफॉर्म बैरियर फंक्शन, ये अलग अलग तरह के फंक्शन रखते हैं, एंड देयरफॉर इसलिए, एंड देयरफॉर दे आर फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल, एंड देयरफॉर दे आर, दे आर इसलिए ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल लचीले होते हैं, एंड मूवेबल, मूवेबल मतलब मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस है। अभी हमने 3 डिफरेंस आपको इन दोनों के बताए हैं, और भी डिफरेंस आपको बताना अभी बाकी है, तो वो भी और भी डिफरेंस देखेंगे अभी। और देखेंगे बर्ड मीनिंग्स, तो बर्ड मीनिंग हमें यहाँ दे रखे हैं, हमने कुछ लिखे हैं जिससे इससे पहले कि हम और
इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ें तो यहाँ बर्ड मीनिंग हमारे पास मैंने कुछ यहाँ रिकॉर्ड कर दिए, कुछ वीडियो में मैंने बर्ड मीनिंग रिकॉर्ड नहीं की है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आगे से मैं बर्ड मीनिंग भी साथ साथ आपको पढ़ाता रहूंगा। तो स्टेशनरी का मतलब होता है स्थाई भी होता है अपरिवर्तित भी होता है। तो यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब है STATIONARY, स्टेशनरी का मतलब होता है अपरिवर्तित। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर, जो इधर उधर हिलते दुलते नहीं है, मतलब जो चलते नहीं है। अच्छा, मैनली का मतलब होता है मुख्य रूप से, MANLY मैनली का मतलब होता है मुख्य रूप से। रिगिडिटी का मतलब होता है कठोरता, प्रोवाइड मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत, ठीक है। फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीले। मूवेबल मतलब होता है चलायमान, जो इधर उधर चलते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं इधर उधर चलते हैं, इसलिए यहाँ पर मूवेबल लिखा हुआ है। और एबल का मतलब होता है सक्षम। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो मुझे लगे कि आपको परेशान कर सकते हैं, उनको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अगर और भी कोई वर्ड मीनिंग है जो आपको परेशान करते हो तो उनको भी आप अपने डिक्शनरी वगैरह से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम और देखेंगे डिफरेंसेस के बारे में। वीडियोस को अभी बंद नहीं करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना जिससे कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले डिफरेंस की तरफ। तीन ही तो अभी हमने पढ़े, बाकी भी अभी पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर और भी दो पॉइंट अभी पढ़ाना बाकी है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर मैंने और लिखे हुए हैं। तो ये आपका जो होता है फोर्थ हो जाता है और ये आपका हो जाता है फिफ्थ, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू ये लिखा है मैंने, एनिमल टिश्यू लिखा है, इनके बीच में और भी जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या है वो डिफरेंस? द लिविंग टिश्यू इन प्लांट मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स वाले होते हैं उनकी बात करें। लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू को दूसरा नाम दिया जाता है मेरिस्टेम्स, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। तो लिविंग टिश्यू इन द प्लांट डिवाइड थ्रू आउट थ्रू देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ, THROUGHT, थ्रू आउट, THROUGHT, थ्रू आउट देयर लाइफ। ये अपने पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर ये डिवाइड होते रहते हैं। These tissue are the localized to some specific area, ये विशेष स्थानों पर ही ये मिलते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर खास पार्टिकुलर पार्ट में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे इनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। फिलहाल ये हम लिख रहे हैं डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हो गया कि स्पेशल पार्ट में ये पाए जाते हैं, और अभी हमने बताया कि जीवन पर्यंत हमेशा ये डिवाइड होते रहते हैं। जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं लिविंग, जो लिविंग प्लांट टिश्यू है वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। अगला आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हैव द लिमिटेड डिवीजन, ये एक निश्चित समय तक डिवाइड होते हैं, लिमिटेड डिवीजन होता है। और जैसे मान लो कि एक टिश्यू है उसने चार पांच या छह बार डिवाइड हो गया, तो एक लिमिटेड डिवीजन कैपेसिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। मोर ओवर दे आर द स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन ये इसके अलावा बात ये है स्पेशल इनके साथ में कि पूरी बॉडी में फैले रहते हैं। इनके साथ स्पेशल बात ये है यहाँ पर कि ये एक विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, टिश्यू स्ट्रक्चर इज कंपेरेटिवली सिंपल एंड लेस ऑर्गेनाइज। कंपेरेटिवली बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, देखा जाए तुलनात्मक रूप से इनकी स्ट्रक्चर जो होती है सिंपल होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऐसा ही MPLE सिंपल का मतलब होता है साधारण, ऑर्गेनाइज्ड मतलब बहुत कम व्यवस्थित होती है, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। टिश्यू स्ट्रक्चर प्लांट की बात, अब एनिमल टिश्यू की बात करें तो टिश्यू स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसमें टिश्यू स्ट्रक्चर बहुत जटिल होती है, स्पेशलाइज्ड होती है एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी होती है। तो इस तरीके से हमने देखा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के हमने डिफरेंस देखे। अभी हम कुछ बर्ड मीनिंग भी देखेंगे, उसके बाद में अन्य टॉपिक्स पर हम जाएंगे। अब हमारे पास में कुछ बर्ड मीनिंग है, उन बर्ड मीनिंग्स को हम देखेंगे। स्थाई मतलब यहाँ पर जो है आपका स्पेसिफिक एरिया, इसका मतलब होता है विशिष्ट क्षेत्र, खास क्षेत्र। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट क्षेत्र।
यहाँ इसका मतलब है विशिष्ट क्षेत्र से, स्पेसिफिक एरिया। अच्छा, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा? स्थानीकरण, स्थानीकरण करना, इसका मतलब होता है लोकलाइज्ड। और कंपैरेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत, क्या होता है? अपेक्षाकृत, या तुलनात्मक भी होता है कंपैरेटिवली। अच्छा, उसके बाद में आता है स्पेसिफिक का विशिष्ट क्षेत्र हो गया, थ्रू आउट उनके जीवन भर। यहाँ पर आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ वर्ड जो है गलत दिखाता है, उसको सही कर लें, थ्रू आउट कर लें, उनके जीवन भर। ठीक है, थ्रू आउट का मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ, मैंने पूरे का वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रू आउट देयर लाइफ, उनके जीवन भर, या अपने उनके जीवन भर वो क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। अच्छा, उनके जीवन भर के बाद यहाँ देखेंगे कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्या होता है? क्षमता। मोर ओवर का मतलब होता है और भी अतिरिक्त, ये आपका मोर ओवर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है और भी अतिरिक्त। नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको सही से, तो मैं लिख दे रहा हूं, और भी अतिरिक्त। ठीक है, ये हो गया आपका मोर ओवर, और भी अतिरिक्त। अच्छा, लिमिटेड, निश्चित, या एक दायरे में, ये लिमिटेड का मतलब हो गया निश्चित अथवा एक दायरे में। डिवीजन होता है विभाजन, वो आपको पता होगा। अच्छा, थ्रू आउट का मतलब हर जगह भी हो जाता है, हर जगह मतलब सर्वत्र भी हो जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, संरचना। स्पेशलाइज्ड का विशेषीकृत, विशेषीकृत मतलब जो सेल होती है कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, तो कॉम्प्लेक्स होती हैं और साथ में स्पेशलाइज्ड होती है, मतलब किसी विशेष काम को करने के लिए ही होती हैं। तो ये थे इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने कॉपी पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिक्शनरी से भी नोट करके याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।